हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कोस 30 का, कोस 45 का, ऐसे कर करके हम लोग सबका वैल्यू कैसे याद करेंगे। तो याद करने से अच्छा ट्रिक है कि पहले हम लोग उसे निकालना सीख लें। ओके, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको सारा वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक ट्रिक से आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ साइन का वैल्यू आप याद रखेंगे और इससे क्या होगा, कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कोट का सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। सारा का सारा वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप कंटिन्यू देखें। तो सबसे पहले आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 45, 60 और 90 का वैल्यू, सबसे पहले आपको साइन का मान जो है याद रखना पड़ेगा। ओके, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 0, 30 का डिग्री का मान होता है 1/2 और 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और 60 का वैल्यू होता है 3/2 और 90 का वैल्यू होता है 1। सिर्फ आपको साइन का मान याद रखना है, बाकी सब जो है आपका निकल जाएगा। तो साइन के बाद जो आता है आपका कोस, साइन के बाद क्या आता है, कोस। तो कुछ नहीं करना है आपको, कोस में क्या करना है आपको, साइन का मान जो है उलट देना है। कहने का मतलब जो साइन 190 डिग्री का मान है वो आपका कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा, जो साइन 60 डिग्री का मान है वो आपका कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा। देखिए कैसे, तो साइन कोस 0 डिग्री का मान होता है 1 को आप इधर लाएंगे, फिर क्या करेंगे, √3/2 है तो साइन कोस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। फिर ये सामने हो जाएगा ना, 45 डिग्री क्या आमने सामने होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, 1/√2 हो जाएगा आपका। फिर साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ये क्या हुआ, कोस 60 का मान क्या हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा। फिर जो साइन 0 का मान है वो आपका कोस 90 का मान होगा, 0। समझ में, चलिए अब क्या होता है, साइन कोस, उसके बाद आपको क्या करना है, टेन का मान फाइंड करना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा आता कैसे है, तो हम सभी जानते हैं कि साइन कोस टेन, तो टेन थीटा का मान कैसे फाइंड करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, एक हम और फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि साइन थीटा में अगर हम कोस थीटा से भाग देते हैं तो क्या निकलता है हमारा, टेन थीटा निकलता है। ठीक है, साइन थीटा अपन कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे करना है आपको, कि साइन में अगर हम कोस से भाग देंगे, साइन में अगर कोस से भाग देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, टेन थीटा निकलता है। तो क्या करेंगे, जीरो में क्या करेंगे, वन से भाग देंगे। ओके, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से अगर जीरो में भाग देते हैं तो आंसर क्या होता है हमारा, जीरो होता है। ओके, तो अगर आप जीरो में वन से भाग देंगे, 0/1 करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका, जीरो होगा। ओके, फिर क्या करना है आपको, 1/2 में आपको भाग देना है √3/2 से। तो ध्यान से देखेंगे आप, तो क्या होता है, मैंने बोला 1/2, फिर इसमें डिवाइड करना है √3/2 से, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 1/2 इंटू में 2/√3 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल, 1/√3 हमारा बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 1 को हो जाएगा आपका, और बटन में क्या होगा, √3 बच जाएगा हमारा, हो जाएगा 1/√3। ओके, फिर √1/√2 में भाग देना आपको, 1/√2 में, तो √2/√2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/1=1। ओके, फिर इसमें क्या होगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √3/1, तो मतलब √3 हमारा बचेगा आंसर। अब आई बात 10, 90 के वैल्यू, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर भागफल क्या आता है, जीरो आता है। कहने का मतलब वन में अगर जीरो से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, अपरिभाषित होगा, क्या होगा, अपरिभाषित, अनडिफाइन हो जाएगा।
कभी भी क्या होता है, किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड। इसी को लिखते हैं हम लोग अपरिभाषित। क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। ओके, इसे लिखते हैं अपरिभाषित। चलिए, आई होप कि आप लोगों साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालने आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग साइन कोस टेन, ये हो गया। अब साइन का उल्टा होता है हमारा क्या? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है हमारा? कोसेक होता है, कोसेक थीटा। ओके, तो साइन का उल्टा, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका भी तो उल्टा हो जाएगा। जो साइन जीरो का मान है उसका भी उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान हो जाएगा। तो जैसा कि जीरो के बटे में क्या है, पहले से कुछ नहीं है तो एक है, क्या है, कुछ नहीं है तो एक है। तो यहाँ पे तो जीरो है और जीरो का बटा में एक है, इसको उलट देंगे तो क्या होगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं था, जीरो था, जीरो में प्लस एक था, इसको उल्टेंगे तो हम क्या होगा, एक चल जाएगा ऊपर, जीरो चल जाएगा नीचे। फिर क्या होगा कि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ओके, फिर देखेंगे आप यहाँ से ध्यान से कि जो साइन जीरो का वैल्यू में है उसमें अगर उलट देंगे हम तो वन बाई जीरो हो जाएगा, तो वन बाई जीरो का वैल्यू क्या होता है आपका, इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित। ओके, चलिए अब क्या होता है, वन बाई टू है साइन तीस का वैल्यू, इसको उलट देंगे तो दो चल जाएगा ऊपर आपका, वन चल जाएगा नीचे, ठीक है। तो वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वन से किसी संख्या हम डिवाइड करते हैं तो आंसर संख्या ही आता है वहीं, ठीक है। अब यहाँ पे है वन बाई रूट टू, इसको उलट देंगे क्या होगा, रूट टू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपका रूट थ्री बाई टू, इसको उलट देंगे क्या होगा, टू चल जाएगा ऊपर, रूट थ्री चल जाएगा नीचे। ओके, अब यहाँ पे वन है तो वन के बटे में क्या है, वन है, इसको उलट देंगे तो फिर क्या होगा, वन बाई वन इज इक्वल टू वन ही होगा। ओके, चलिए सेम प्रोसेस होता आपका कोस थीटा में, क्या होता है तो कोस के उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसमें भी क्या करना है, हम जानते हैं कोस का उल्टा सेक होता है तो वैल्यू भी चेंज करना है। वन के बटे में क्या है, वन, इसको उलट देंगे तो क्या, वन बाई वन इज इक्वल टू वन, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उसका मान उलट देना है, जो अंश में उसको हर में करना है और जो हर में उसको अंश में करना है। यहाँ पर देखेंगे रूट थ्री बाई टू है तो टू चल जाएगा ऊपर में आपका अंश में, और रूट थ्री चल जाएगा नीचे में, हो गया सेक 30 डिग्री के मान। यहाँ पे क्या है, कोस 45 का वन बाई रूट टू है तो हो जाएगा हमारा रूट टू बाई वन इज इक्वल टू रूट टू। यहाँ पे जीरो है और जीरो के बटा में एक है, जीरो के बटा में क्या है, एक है, तो एक, फिर मैंने बोला था कि एक उलट देंगे तो एक चल जाएगा ऊपर, जीरो चल जाएगा नीचे, एक चल जाएगा ऊपर और जीरो चल जाएगा नीचे, सॉरी अभी ये बाकी है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, वन बाई टू है तो वन बाई टू को उलट देंगे तो क्या होगा हमारा, टू होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वन चल जाएगा ऊपर और जीरो चल जाएगा नीचे, तो फिर हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब टेन के उल्टा होता है हमारा कॉट, क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। इसमें भी क्या करना है आपको, मान उलट देना है। यहाँ पे टेन जीरो का मान जीरो है, इसको उलट देंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, वन बाई रूट थ्री है, इसको उलट देंगे तो रूट थ्री हो जाएगा, वन का उल्टेंगे तो वन ही होगा इसको। ओके, और वहाँ पे क्या है, रूट थ्री है, अब बटे में क्या है, कुछ नहीं है तो वन है, तो वन रूट थ्री बाई वन को उलट देंगे तो क्या होगा हमारा, वन चल जाएगा ऊपर में, रूट थ्री चल जाएगा नीचे में। ओके, फिर क्या है, इनफाइनाइट है, इसको उलट देंगे तो क्या होगा, तो हम जानते हैं किसी भी, सॉरी, अनंत में किसी भी संख्या से भाग देने के बाद क्या होता है, आंसर जीरो आता है। ओके, अनंत में किसी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, हमारा आंसर जीरो होता है, तो अपरिभाषित है। कहने का मतलब इनफाइनाइट के नीचे में क्या है, अंश में, हर में, सॉरी, हर में क्या है, एक है, तो एक में ऊपर चल जाएगा तो हमारा एक बट्टे इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा, एक बट्टे इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है ऑलवेज। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.